दर्शकों, रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज रामचरितमानस का असली सार आपके सामने उजागर होने जा रहा है, जो आज तक आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से छिपाया गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं? दर्शकों, पूरा हिंदू समाज तुलसीदास कृत रामचरितमानस को प्रमाणित शास्त्र मानता है। आपको इसी रामचरितमानस से प्रमाणित करके बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं। इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी प्रभु के भक्त हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की ये चौपाई जिसमें कहा है कि तीनों देवता उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, देखिए बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो रही होगी कि फिर इन देवताओं को ये भक्ति किसने बताई, अर्थात तीनों देवताओं को ये भक्ति बताने वाला कौन है, इनका गुरु कौन है? दर्शकों, इस शंका का निवारण संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म वेद से किया है। संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर। इस पूरी वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप।